बहुत जल्द जो है हमारा गढ़वा वो सिंगापुर से कम्पटीट करेगा और बहुत आने वाले 5-10 साल में सिंगापुर को भी पीछे छोड़ देगा भाई। यहाँ तो और विकास हुआ है, यहाँ पे 3-3 मूर्ति बनी हुई है। गढ़वा हमारा जू पार्क भी है, देखिए वाइल्ड लाइफ एनिमल भी दिख रहे हैं रोड पे, कि हमारा इधर स्वास्थ्य की इलेक्ट्रॉनिक्स भी है काफी अच्छे रेट पे। अच्छा हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका गढ़वा के धरती पे स्वागत है। ये गढ़वा का टंडवा से जो एंटर करते हैं वो गढ़वा का ये पुल है, ये डानरू नदी पुल है, नदी है उसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। काफ़ी दयनीय स्थिति में है ये पुल, बेचारा जर्जर हो चुका है। ये देखिए रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है यहाँ पे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं अपने गाड़ी का अलाइनमेंट थोड़ा ठीक कराना है और अलाइनमेंट ठीक करा के आप लोग से मिलते हैं वहीं पे, अलाइनमेंट वाले जगह सेंटर पे जहाँ पे अलाइनमेंट सही होगा। तो बने रहिए वीडियो में, आप लोग को दिखाते हैं अलाइनमेंट कैसे होता है। और खैर बहुत जाम है, थोड़ा देखते हैं। सामने से जो ऑल्टो में जा रहे हैं हमारे बैजू भाई जा रहे हैं, काफी पॉपुलर इंसान है गढ़वा के, बहुत ही फेमस है। वाह जियो गढ़वा। बहुत जल्द ही हमारा गढ़वा जो है वो सिंगापुर से कॉम्पिटिट करेगा। तेजी से विकास हो रहा है यहाँ पे, बहुत तेजी से। ये देखिए गढ़वा का विकास है, खतरनाक भाई, मजाक थोड़ी है। ये देखिए घंटा घर है, घंटा घर। गढ़वा बहुत तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले अगले 5 साल के अंदर में सिंगापुर को कॉम्पिटिट करते हुए और पीछे भी छोड़ सकता है गढ़वा। पागल हो जाओगे भाई, गढ़वा आना, मस्ट विजिट, वांटेड टूरिस्ट प्लेस है गढ़वा, आप जरूर आए। यहाँ पे पार्क वार्क बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है घूमने के लिए, इन्जॉय कीजिए भाई गढ़वा आइए। एकदम बिल्कुल आपको लगे कि बस फॉरेन ही घुस गए हैं। ये देखिए खतरनाक भाई साहब, देख रहे हो। थोड़ा साफ करते हैं, थोड़ा शीशा साफ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिएगा थोड़ा क्लियर, सीधे रोशनी आ रही है। लेकिन रोशनी मत देखो आप, गढ़वा देखो, गढ़वा यहाँ भाई, यहाँ तो और विकास हुआ है। यहाँ पे 3-3 मूर्ति बनी हुई है। गढ़वा हमारा जू पार्क भी है, देखिए वाइल्ड लाइफ एनिमल भी दिख रहे हैं रोड पे। और ये डस्ट मत समझना इसको, ये डस्टबिन भी है, लेकिन डस्टबिन में यहाँ डालना बैन है। डस्टबिन में जो लोग कूड़ा डालेंगे उनको यहाँ पे थोड़ा सा पनिशमेंट मिलता है, तो इसलिए डस्टबिन से बाहर लोग डालते हैं ताकि पनिशमेंट से बच सके। बाकी हमारा इधर स्वास्थ्य की इलेक्ट्रॉनिक्स भी है काफ़ी अच्छे रेट पे, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स